नमस्कार दोस्तों, रेखा दास ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो शेयर करूँगी। आशा करती हूँ आज का किचन टिप्स की वीडियो आप सभी को पसंद आएंगे। तो आज का वीडियो देखिए, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम सब इस तरीके से ऑयल का जो बोतल है वो यूज़ करते हैं। गैस चूल्हे के पास रहने की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से गंदा हो जाते हैं। देखिए, मेरे तो चूल्हे के साइड में ये रहते हैं और इस तरीके से मसाले ऊपर रहते हैं, गिरते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। और नीचे इस तरीके से जब हम बोतल को रख देते हैं तो नीचे भी इस तरीके से ऑयल लग जाते हैं जो गंदा लगता है, चिपचिपा हो जाते हैं। तो इसे आसान तरीके से आप कैसे रख सकते हो, उसी के लिए मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ। पहले तो मैं बोतल को क्लीन कर लूँगी, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखे हैं। हमें चाहिए पुराना सॉक्स। कई बार होते हैं हमारे घर में सॉक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उसमें से एक पेयर का एक पीस खो जाते हैं, तब ये सॉक्स को हमें फेंकना पड़ता है। उस एक जो सॉक्स है उसे आप इस तरीके से काम में ला सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पुराना सॉक्स ले लिया है और सॉक्स को अच्छे से आपको पहले धो लेना है। बस कुछ नहीं करना है, इसके अंदर बोतल को इस तरीके से आपको डालना है। तो देखिए, बस इस तरीके से हम सॉक्स को ऊपर तक कर देंगे। देखिए, थोड़ा सा इस तरीके से हम ऊपर से खुला रखेंगे। देखिए, इस तरीके से रखने से आपके नीचे जो टाइल्स में आपके चिपचिपाहट नहीं रहेगा और ऊपर भी जो छींटे मैंने आप लोगों को दिखाया पहले, वो भी इस तरीके से गंदा नहीं होगा बोतल। तो इस तरीके से आगे से कभी भी ऑयल का अगर बोतल रखना है तो इस टिप्स को आप फॉलो करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ पसंद आएंगे। सॉक्स अगर कलरफुल होगा तो वो देखने में भी सुंदर लगेगा। तो ये टिप्स कैसा लगा नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गर्मी के टाइम में अंडे हम सभी के घर में होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में अंडे बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। कभी हम सब्जी बनाने जाते हैं, तोड़ने के बाद पता चलता है अंडे हमारा ख़राब है। अंडे बनाने से पहले आप पता कैसे कीजिएगा कि अंडे आपका ख़राब है? तो बस छोटा सा टिप्स है, आप फॉलो करके देखिएगा। एक कटोरी में आप ले लीजिए पानी, नॉर्मल पानी है, और इसमें आप अंडे को डिप कर दीजिए। देखिए, अंडे बिल्कुल पानी में डूबा हुआ है, इसका मतलब है आपका अंडे बिल्कुल ठीक है। अगर अंडे खराब होगा तो ये पानी में इस तरीके से नीचे नहीं ऊपर अंडे तैरेगा। तो बस ये छोटा सा टिप्स है, आगे से कभी भी अंडा खराब है या नहीं है चेक करना है तो आप इस टिप्स को फॉलो कर सकते हो। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे। हम जब नया ब्रेड के पैकेट लाते हैं, इसको खोलने के बाद जैसे एक दिन हमने यूज़ किया और अगले दिन रखने के लिए इस तरीके से हम कैसे भी फोल्ड करके रखें, वो कहीं ना कहीं से खुल ही जाते हैं और खुलने की वजह से ब्रेड हमारा ड्राई हो जाते हैं और जो जिसे खाना बिल्कुल भी कोई पसंद नहीं करता है। जैसे आपने एक दिन ब्रेड को यूज़ किया और थोड़ा सा ब्रेड आपका बच गया है तो आपको बस इस तरीके से इसे फोल्ड करना है। देखिए, इस तरीके से लेके एक बार इस तरीके से हम घुमा लेंगे और ये ऊपर से ये जो पैकेट है इसे हम इस तरीके से रख देंगे। देखिए, अब ब्रेड को चाहे कैसे भी आप रखिए, कहीं पे भी रखिए, ब्रेड में हवा नहीं जाएगा और इस तरीके से आपका ब्रेड खराब होने से भी बच जाएगा। तो टिप्स कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगला जो हमारा टिप्स है वो है नींबू को लेके। आजकल नींबू काफ़ी ज़्यादा महंगे मिल रहे और कई बार तो सब्जी वाले महंगे की वजह से लेके भी नहीं आते हैं। और मार्केट में हम जब लेके आते हैं मार्केट से, तब हम इकट्ठा जब नींबू लाते हैं और इस तरीके से देखिए थोड़ा सा ड्राई हो जाते हैं और दो चार दिन में नींबू हमारा पूरी तरीके से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बस छोटा सा टिप्स है, फॉलो करके देखिएगा। इस तरीके से नींबू आपके दो हफ्ते तक बिल्कुल ताज़ा के ताज़ा ही रहेगा। कुछ नहीं करना है, एक न्यूज़पेपर इस तरीके से हम काट लेंगे और इसमें हम फोल्ड करके रख देंगे। आप फ्रिज में भी इसे रख सकते हो या नॉर्मल किचन काउंटर में भी आप इस तरीके से रख सकते हो। देखिए, तो इस तरीके से जितना भी आपके पास नींबू है बस पेपर में फोल्ड कीजिए और इसे
इस तरीके से करके फ्रिज में आप रख दीजिए। टिप्स कैसा लगा बताइएगा। इस तरीके से जार में हम जब अचार वगैरह कुछ रखते हैं तो इसमें से स्मेल जो होते हैं धोने के बाद भी नहीं जाता है। बस छोटा सा टिप्स है, फॉलो करके देखिएगा, जो भी चीज़ का आपका स्मेल रह गया है डब्बे में वो हट जाएगा। कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से न्यूज़पेपर को फोल्ड कर लेंगे हम, देखिए, और हल्का नॉर्मल पानी में इस तरीके से डिप कर लेंगे, देखिए, और इस तरीके से दो तीन हम न्यूज़पेपर को फोल्ड कर लेंगे और पानी में डिप करके इसके अंदर डाल देंगे। इस तरीके से हम 3 से 4 घंटे न्यूज़पेपर को डब्बे के अंदर ही रहने देंगे और 4 घंटे बाद आप न्यूज़पेपर को फेंक दीजिएगा और उसके बाद आप साफ पानी से एक बार डब्बे को धो लीजिएगा। इससे आपका जो भी स्मेल आपके डब्बे में था वो बिल्कुल हट जाएगा। टिप्स को फॉलो करके देखिएगा, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। कई बार होते हैं किचन काउंटर में हम जब तेल डालते हैं या गलती से हमसे इस तरीके से तेल गिर जाते हैं, हम किसी भी कपड़े से अगर साफ करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चिपचिपे हो जाते हैं और फिर कपड़े को आपको अलग से धोना पड़ता है। बस छोटा सा टिप्स है, इस तरीके से कभी भी तेल गिर जाए आपके किचन काउंटर पर तो इस तरीके से आप क्लीन कर सकते हो। ऑयल के ऊपर आपको इस तरीके से आटा डाल देना है, ये नॉर्मल जो हम गेहूं का आटा यूज़ करते हैं रोटी बनाने में वही आटा है। बस इस तरीके से आपको डाल देना है, ठीक है, और एक टिश्यू पेपर ले लीजिए या तो न्यूज़पेपर थोड़ा सा काट के बस इस तरीके से आप क्लीन कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको क्लीन कर लेना है, देखिए, और आप देख सकते हो ये कितना अच्छे से क्लीन हो गया है। नहीं तो अलग से कपड़े से आप पोछिए, फिर कपड़े को आपको अलग से साबुन से धोना पड़ता। तो इस टिप्स को आप फॉलो करके देखिएगा, उम्मीद है पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये सभी टिप्स आप लोगों को कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आज का वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को यूज़फुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नए वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।